तो फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार और 14 नवंबर की सुबह में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, 14 नवंबर। और याद रखिए, आज का दिन कुछ खास है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि आज एक तो हमारी भांजी एंजल बाबू का हैप्पी बर्थडे है, और दूसरा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्मदिन है, जिसे हम लोग चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कि मुझे तो दिन भर काम भी चिल्ड्रंस के साथ ही रहे, बच्चों से मुझे विशेष लगाव है। चाहे वे मेरे घर के बच्चे हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे आस पड़ोस के कोई भी बच्चे हों, मुझे बच्चों से बहुत ही स्पेशल लगाव है। बच्चों के साथ आज चिल्ड्रंस डे मनाना, स्कूल में भी और जहाँ भी बच्चे मिलेंगे, टॉफ़ी वॉफ़ी खिलाऊंगे सबको। तो फिलहाल सुबह का टाइम है और मॉर्निंग वॉक के लिए आया था, लेकिन कोहरा देखो कितना पड़ा हुआ है। आज तो विजिबिलिटी बहुत कम है, मुझे ऐसा लग रहा केवल 10 मीटर तक का दिखाई दे रहा होगा। उधर बच्चे देखो क्रिकेट खेल रहे हो, ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहे। कोहरा भले ही ज़्यादा पड़ रहा हो, लेकिन एक बार मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू कर ली थी तो छोड़ने का नहीं, सर लगातार करता रहूँगा, नहीं तो फिर वही फ़र्क पड़े, पेट फिर वर्ष बढ़ना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की एक्सरसाइज करके वापस आ गए रूम पे, और देखो नहाने तैयार होने से पहले, स्कूल के लिए तैयार होने से पहले थोड़ा नाश्ता पानी कुछ बनाऊंगा अपना, तो कुछ नाश्ता सुबह करेंगे और बाकी कुछ लेकर भी जाऊँगी स्कूल में। तो चलिए किचन में लेके चलता हूँ अपने, और किचन में थोड़ी बहुत काट लिया कुछ, तो क्या क्या काट लिया मैंने देखो भाई, इसमें तो गोभी उबाल दी गर्म पानी में रख के, काट के और चूल्हे पर रख के मैंने गोभी तो पहले ही उबाल दी। और इसके अलावा क्या क्या काट दिया, इसमें परवल है, इसमें शिमला मिर्च भी है, और वही है इसमें नीचे क्या है, हाँ लोबिया भी है, लोबिया। तो इतनी सारी सब्जी, एक दो आलू काट दिए मैंने, ये सब मिक्स बनाऊंगे सुबह के नाश्ते में। सबसे पहले तो ऊपर चढ़ा कर मैंने इसमें तेल डाल दिया था, तेल होगा गर्म, और उसमें जीरा भी डाल दिया, और जीरा पकेगा मैंने इधर प्याज काट दिया। जब तक प्याज इसमें पकेगा तब तक टमाटर और मिर्ची भी काट लूँगा, 3-4 मिर्च ले लूँ, ये काट दूँगा जब तक प्याज पकेगा। तो तड़का लगा देते हैं सब्जी में, जीरा अच्छे से लाल हो गया था, और इसमें मैंने प्याज भी डाल दी, जब तक यह प्याज पकेगी और तब तक काट देता हूँ ये प्याज। टमाटर और मिर्च डाल के मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए, और अब इसे पका देता हूँ धीमी आंच पे। तड़का बढ़िया से तैयार हो गया, कब पहले तो डाल दी इसमें ये सब्जी, और ये होगी भाई वो भी डालोगे बाद में। सब्जी अच्छी तरीके से फ्राई होगी, और ये तो क्योंकि पहले ही उबाल रखी, तो आज गोभी लगानी, ये डाल देंगे इसमें गोभी, मैं गोभी भी डाल दी, और ये अदरक भी कस दिया मैंने अच्छा खासा, तो इसे मिक्स करके और ढक्कन बंद कर दूंगा, फिर लगाऊंगा इसमें सिट्टी से। सारा सामान ही हटा दूँ, सब्जी के छिलके हैं, और भैया बर्तन धो के रख दिए, जो सब्जी काट बर्तन जो सब्जी काटने में यूज करे थे दो भिगोने धर धो का धर दिए, ये दो दूँ, और ये भी दो दूँगा अदरक कसने का, और हरा धनिया और काट के रख दूँगा सब्जी में, बाद में जब सब्जी पक जाएगी तब डाल लूँगा हरा धनिया। रोटियाँ भी सेक दी हमने, और रोटियों पर ये लगा लेंगे थोड़ा सा। सब्जी इधर देखो कैसे बनी, सब्जी बनेगी ऐसी, इसमें हरा धनिया और डाल दूँ, हरा धनिया और डाल दूँ, हमारा सुबह का नाश्ता होगा ये होगी सब्जी और रोटियाँ। नाश्ता पानी बना लिया और कुछ थोड़ा सा तो खा लिया, बाकी कुछ पैक कर लिया, स्कूल में लेके चलेंगे और रेडी हो गए, चलिए चलते हैं भाई स्कूल में। तो फ्रेंड्स, स्कूल में पहुंच गए हैं, और आज बच्चों के साथ जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चों जानते हो आज क्या है? बताओ आज क्या है? बाल दिवस, यानी के चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस माने बच्चे, और डे मीन्स दिन, बच्चों का दिन। ठीक है, जानते हो चिल्ड्रंस डे हम क्यों मनाते हैं? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। सबसे पहले तो बच्चों मेरी तरफ से सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बच्चों के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया है बोर्ड पे मैंने, बहुत बढ़िया ड्राइंग तो मुझे आती नहीं, जैसे ही उल्टी सीधी चीज़ें आवे, ड्राइंग का नहीं हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ, तो ड्राइंग मेरी कुछ उतनी बढ़िया नहीं है, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि जैसा भी बने बच्चों को कुछ आकर्षक सा लगे, और ऐसा मैंने इनका ग्रीन बोर्ड सजाया है, गुब्बारे कुछ तो फूट भी गए, लगाए थे चारों तरफ, और बच्चों के लिए कुछ टॉफी भी लेके आया हूँ। अर्जुन आओ बेटा, बच्चों काफी लाइन से बैठो।
ऑटोग्राफी मिलती है। थैंक यू सर। क्या बोलोगे जब जिसको भी कॉपी मिल रही है उसी को कहना है, क्या कहोगे? थैंक यू सर। क्या कहोगे? थैंक यू। देखो परियो खुशी ने बोला है बढ़िया। थैंक यू सावित्री। थैंक यू मैम बोलियो। वैष्णवी वर्षा आर्यन योगेश अनुराधा क्या नाम दीपिका जानवी नाम है जानवी क्या मुझे नहीं आज जिसका नाम नहीं लिखा है उसको भी मिले सब पता भी मिले। काफी खा के पन्नी अपने पास रखोगे बाद में डस्टबिन में डाल देना। किसमें डालोगे? अपनी क्लास में टॉफी बांट दी और बाकी की सभी क्लासेस में भी टॉफी बांट दी। टॉफी अच्छी लगी बच्चों? जी। पर फिर से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। वेलकम। तो जी इधर जो है सुबह के 11:30 बजे से आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है काफी दिनों बाद। तो धीरे धीरे फिर से अपने रूटीन में जो है वापिस होने की कोशिश कर रहे है धीरे धीरे, और देखती है एक दो दिन में टांगे कट जाए तो फिर पूरी तरीके से अपने रूटीन में लग जाएंगे। क्योंकि टाइम काटना भी देखो ठाली पड़े पड़े भारी हो जाए बहुत मतलब मुश्किल होता है। अपने काम में लगे रहते हैं तो दिनों का पता ही नहीं लगता, और जब से चोट लगी अब तो गिन गिन के काट रहे टाइम कि पता ही नहीं इतने दिन हो गए इतने दिनों का। एक हफ्ते एक डेढ़ हफ्ता हो गया लेकिन ऐसा लग रहा पता नहीं कितने महीने हो गए। और इधर जो है सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी पाल फैमिली की तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे बाल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स इधर जो है बच्चे आज चले गए थे स्कूल में और आज तो काफी खुश थे, बोल रहे थे आज तो बाल दिवस है चिल्ड्रंस डे है तो बच्चों का दिन है तो आज ना बिल्कुल भी परेशान नहीं करा जाने में। और कुछ उनकी बड़ी मम्मी ने उन्हें थोड़ा सा गिफ्ट दे दिया ताकि जो है खुश हो के जाए, चिप्स ला के दे दिए थे थोड़ा बहुत तो चलता है बच्चों के लिए। इधर जो है अब चलेगी खाने बनाने की तैयारी। खाने में आज जो है आज बनाएंगे अपने किचन गार्डन का फ्रेश पालक, यानी पालक का साग बनेगा। काफी टाइम हो गया जब उस दिन पिंकी बहन जी आई थी ना उसी दिन बना था, उसके बाद में बनाई नहीं, एक डेढ़ हफ्ता हो गया तो काफी अच्छा हो रखा पालक। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो ऐसे मौसम में तो इन सब्जियों का स्वाद भी अलग ही होता है। इधर जो है थोड़ा सा दूध जमाया था माँ जी ने तो वो भी लगा दिया, उसमें से ताजा मक्खन और ताजा मट्ठा हो गया जो कि साग के स्वाद को ना दोगुना कर देता है। तो चलो जब किचन गेयर में चलते हैं नए घर में और तैयारी करते हैं, क्योंकि साग वगैरह बनाने में ना टाइम लगता है। और जितनी हो सके मैं भी हेल्प करवाऊंगी, बाकी तो माँ जी करेगी अपने आप। और दीदी को जो है आज कुछ काम था तो बाहर जाना पड़ा, लेकिन घर के काम सारे निपट चुके हैं, साफ सफाई का भी नाश्ते पानी का भी, क्लीनिंग का काम आज गुड्डू ने कर दिया था क्योंकि गुड्डू के जो है प्री बोर्ड के एग्जाम चल रखे हैं तो उसे तैयारी के लिए एक दिन मिलता है, एक दिन पेपर होता है और एक दिन छुट्टी रहती है, तो आज उसकी छुट्टी थी। हम तो बोल भी रहे थे कि अपनी तैयारी कर ले, बोली नहीं कोई भी आ जाता है तो साफ सफाई करवा ही देते हैं। तो चलो अब चलते हैं नए घर में। तो देखो ये चाय पी रहे अभी, और क्या कर रही भाई देखो इसने जुराब पहन रखी, सैंडल पहन रखी वैसे तो, और ऊपर पहन लिया आधी बाजू के कपड़े, इतनी गर्मी लग रही है। पूरी बाजू के कपड़े किन्नी पहने? मुझे चलो पी लो चाय। फ्रेंड्स इधर देखिए मट्ठा जो है लगकर तैयार है और इसे बाद में लेके जाएंगे जब खाना कंप्लीट हो जाएगा बन जाएगा। और मक्खन भी जो है निकाल के हमारी ने फ्रिज में रख दिया, और वहां ले जाने के लिए थोड़ा सा सामान जो है रख लिया। और चलो मैं चलती हुई ना गेर में जब तक लहसुन प्याज लहसुन वगैरह छल लूंगी। और लहसुन का भाव भी सोने की तरह ही हो रहा है आजकल। देखो लहसुन जो है गांव में इस तरीके से मिलता है, थोड़ा सा ही 50 रुपए का लहसुन है, देखो जरा सा कितना महंगा हो रखा। लेकिन महंगा भी कुछ नहीं, गांव में ना दुकान वाले लगते नहीं, उनको खराब हो जाए बिकता है नहीं इतना, इतनी महंगी चीजें और खराब हो जाए। इसमें हरी मिर्च और लहसुन ले लिया, अदरक नहीं पाया। तो चलो चलते हैं, इतना मैं थोड़ी बहुत तैयारी करती हूँ, माँ जी आ जाएगी तो पालक काट के ना फिर उसको साफ कर लेंगे।